हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे सिविल इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन वर्क में। मैं आज आपको बताऊंगा कि ओल्ड बिल्डिंग और न्यू बिल्डिंग में कंक्रीट जॉइंट कैसे देते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारी जो है ओल्ड बिल्डिंग है और ये जहाँ पे अभी शटरिंग हो रखी है और सरिया जो लगा हुआ है, ये हमारी न्यू बिल्डिंग है। फ्रेंड्स, अब मैं आपको दिखाऊँगा कि कैसे इनको वेल्ड किया जाता है। तो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं कि इसमें एक ओल्ड सरिया है और एक न्यू सरिया है। ओल्ड सरिया को न्यू सरिया में हमने जो है जॉइंट कर दिया है और वेल्ड कर दिया है। ये देखिए, ये ओल्ड सरिया है, ये न्यू सरिया है, ये वेल्ड कर दिया है। और इसको जो है हमने, ये 9 इंच का है पूरा, यहाँ से लेके यहाँ तक ये 9 इंच था, जिसमें से हमने अप्रॉक्सीमेटली 5 इंच और 4 इंचेस के अप्रॉक्सीमेटली इसको जो ओल्ड बिल्डिंग का जो शटर था और लेंटर था उसको तोड़ दिया है और इसके साथ इसकी शटरिंग कर दी है। तो देखेंगे फ्रेंड, जब हमारा न्यू स्लैब आएगा तो ये पूरा यहाँ तक आएगा और यहाँ तक आएगा, मतलब 2 स्टेप्स में आएगा। तो ये जो है हमारा एक परफेक्ट जॉइंट जो होता है वो इसमें बनेगा। तो फ्रेंड्स, और मैं आपको बता देता हूँ कि जो यहाँ पे आपका जॉइंट्स होता है, आप वहाँ पे एक इस तरीके का एक बीम दे सकते हैं, जैसे ये बीम है और इसमें हम देखेंगे इस 16 mm की बार लगी हुई है, 4 बार 16 mm की है, इससे आपको परफेक्ट जॉइंट आएगा और उसमें स्ट्रेंथ भी आएगी। तो मैं आपको इस तरीके से दिखाता हूँ। सारी देखिए सरिया जो है वेल्ड हो रखी है, ये वेल्ड है, ये वेल्ड है, ये वेल्ड है, इसी तरीके से पूरा हम जहाँ तक हमको जॉइंट है वो पूरा वेल्ड किया जाएगा, ओल्ड सरिया और न्यू सरिया दोनों। और ये देखिए फ्रेंड्स, इसमें इस तरीके से स्टेप्स देना ज़रूरी होता है। अगर आप परफेक्टली वर्टिकल वर्टिकल इसको जॉइन करेंगे तो जो है ये परफेक्ट जॉइंट इसका नहीं आएगा। तो आपको बेहतर रहेगा कि आप इसको जो है स्टेप्स में जो है तोड़ लें इसको, स्लैब को, ओल्ड स्लैब को, और जो न्यू स्लैब है उसमें आके नीचे से इसका सरिया लगाएं और उसको ओल्ड सरिया के साथ जो है आप इसको जोड़ दीजिए, वेल्ड कर दीजिए और आपका जो है परफेक्ट जॉइंट आएगा। तो और इसको धोना भी बहुत ज़रूरी होता है, तो आप इसको जब कास्टिंग हो उससे पहले इसको एक बार धो लीजिए अच्छे से, ताकि जितना भी ये ग्रिट है ये सारा साफ़ हो जाए और एक परफेक्ट जॉइंट बन जाए इसमें। और फ्रेंड, इसमें एक डॉक्टर फिक्सिट का जो ये वाटर सॉल्यूबल होता है वो, और इसमें सीमेंट के साथ जो है वाटर प्रूफ इसको बना देता है, वो जॉइंट के लिए बहुत अच्छा होता है। उसको ज़रूर डालें आप अपने सीमेंट के साथ मिला के, तो एक परफेक्ट स्ट्रेंथ आपकी आएगी। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू, आज के लिए इतना ही, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, और आगे भी मैं आपको बहुत अच्छी अच्छी जानकारी अपने चैनल के माध्यम से देता रहूँगा। थैंक यू, बाय।